सो है यो फैमिली, सो जैसा कि मेरा पीछे बैकग्राउंड आप लोग देख चुके हैं और देखकर अनुमान जरूर लगाएंगे कि ये कहाँ है, गेस करके जरूर बताए कहाँ है। पर मैं बताना चाहूँगा, ये गंगा पाथवे पे हम लोग आए हुए, आज सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है। सो आज हम लोग पूरा अच्छे से गंगा NIT घाट पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। सो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का, लिटरली बहुत ही अलग वाइब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आइए एक बार, बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग नहीं आए हैं अब तक वो जरूर आए, यहाँ का कोई टिकट नहीं लगेगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए और यहाँ का मजा लीजिए, यहाँ इतना अच्छा लगेगा आने पे, यहाँ बैठिए एक अलग ही सुकून आपको मिलेगा। और यहाँ तो है बारिश के कारण यहाँ पानी बहुत ही अच्छा आ चुका है, पहले इतना नहीं था, पहले इससे पहले आया था लगभग 2-3 महीना पहले, जो कि इतना नहीं था। अभी इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो गाइस आप लोग पानी का लेवल देख सकते हो, देखिए कितना डूब चुका है, वो डूब गया है, देन ये डूब गया है, मतलब आधा से ज़्यादा कवर हो चुका है। ये सीढ़ी पूरी सीढ़ी थी बट ये दो ही सीढ़ी दिखाई दे रही है। तो आज से हम लोग 1.5 साल पहले आए थे तो पानी का लेवल कुछ और था, और अभी बारिश और मौसम ख़राब के कारण देखिए पानी का लेवल क्या से क्या हो गया। और गंगा घाट तो मतलब मानो कि इसमें लहर ही आ चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना पानी क्या ही बताएं। तो खैर इसमें तो हम पानी के अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह का टाइम है और हम लोग घूमना है, बट भीड़ देखिए सुबह के टाइम में भी भीड़ की कोई कमी नहीं है, सब लोग आकर इकट्ठा जमे हुए हैं। वीडियो का आज बजट बढ़ चुका है, मैं अपने कैमरे से कर रहा हूँ, जिसान भाई जो है वो अपने एक अलग ही कैमरा लेकर आज शुरू हो चुके हैं। पटना है तो कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ अच्छा तरीके से दिखाएंगे, सो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा था, तो बढ़ते बढ़ते अभी एक चीज़ देखा जो कि मुझे काफ़ी बहुत ही बेहद पसंद आई है, जो मैं आप लोग का भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि मेरे सामने ये बोट देख रहे हैं आप लोग, ये एक बोट रेस्टोरेंट है जो कि अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है, क्योंकि अभी कोविड सही तरीके से अभी मतलब कि गया नहीं है, कोविड के कारण अभी सही तरीके से अभी पटना खुला नहीं है सारा का सारा, तो अभी फ़िलहाल ये बंद है। और एक जो रेस्टोरेंट है आपको ये आपको मिलेगा, ये भी एक कुछ बोट के शेप में ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा, अंदर से भी बहुत अच्छा है, और ये भी अभी क्लोज ही चल रहा है। सो जैसे ही खुलेगा वैसे हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे सब तरह का।
सो गाइस, इससे पहले मैं जब आया था तो ये आप पीछे देख पा रहे हैं पुल, ये बस जस्ट मेरे सामने जितना इतना ही बना हुआ था। और यहाँ से देखिए काफ़ी कितना बन चुका है। और ये होने वाला है एशिया मतलब लॉन्गेस्ट पुल बनने वाला है, मतलब सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा पुल बनने वाला है। और खैर, इंडिया की तो बात ही अलग है, सब चीज़ बड़ा बड़ा ही बन रहा है। मैंने बताया कि इंडिया में काफ़ी चीज़ मतलब सब चीज़ बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल का दाम हो गया, आपका तेल का दाम हो गया, और जितने भी मतलब हर चीज़, मतलब इंडिया में एक एक चीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग सर्वाइव करने के लिए आप लोग सही लग रहा है, या आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। खैर ये भी बात है, मोदी है तो मुमकिन है। खैर हम लोग कोई पर्सनल इशू नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। So, हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लेडीज़ लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हैं, और अभी सुबह का टाइम है और साफ़ सफाई जारी है। और ज़्यादा तो कचरा है नहीं, वैसे सिर्फ पत्ते वगैरह हैं, अच्छी बात है, लोग ज़्यादा कचरा फैला नहीं रहे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ आपको जो पाथवे पे है इतना नीट क्लीन आपको मिलेगा ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम साफ़ सफाई, देखिए बहुत ही क्लीन मिलेगा एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी, और ऐसी ऐसी वीडियोस मुझे फ्यूचर में लानी चाहिए। और ये भी कुछ बोलना चाह रहा नहीं बोलना चाह रहा है ना, समझ रहे थे, नहीं बोलना चाह रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हम लोग कितना 5:30 बजे से उठे हुए हैं, और एक दोस्त को छोड़ने गए स्टेशन, देन वहाँ से आए, फिर उसके बाद व्लॉगिंग करने यहाँ आए, और यहाँ भी पूरा चलना फिरना हुआ, तो काफ़ी थक चुके हैं कल से आए हुए यहाँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।